नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल क्रिक आकाश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। सो गाइज, आपको बता दूं कि एक बड़ी अपडेट आ रही है MS धोनी को लेकर। MS धोनी ने 21 जुलाई को जो टीम का चयन किया जाना है वेस्ट इंडीज़ दौरे के लिए, उससे ठीक एक दिन पहले एक बड़ा बयान दिया है, जिससे कि सारी जो अटकलें थी MS धोनी के संन्यास को लेकर और जो भी कयास लगाए जा रहे थे अभी तक सेमीफाइनल के बाद से कि क्या MS धोनी रिटायरमेंट ले रहे हैं, क्या वेस्ट इंडीज़ दौरे पर जाएंगे या नहीं, वो सारे जो अटकलें थी वो यहाँ पर समाप्त हो गई। और क्या बयान दिया है धोनी ने, क्या स्टेटमेंट जारी किया है धोनी ने, वही आज आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। सो गाइज, आपको बता दूं कि कल 21 जुलाई को जो वह टीम का चयन होना है, और उससे एक दिन पहले धोनी ने BCCI को लिख दिया है कि वो 2 महीने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, जिसका कि साफ मतलब है कि कल जो टीम का चयन होना है उसमें उनका नाम नहीं होगा और वो वेस्ट इंडीज़ दौरे पर नहीं जा रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि वो आने वाले जो 2 महीने हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ बिताना चाहते हैं, वहीं पर 2 महीने हैं वो रहना चाहते हैं, और कल जो टीम का चयन होना है उसमें वो उनका नाम जो है वो नहीं होने वाला है। सो अब आगे बात ये आती है कि क्या उनकी जगह पर किसको मौका मिलने वाला है, दिनेश कार्तिक जाएंगे या फिर ऋषभ पंत की जगह 90% पक्की मानी जा रही है इस दौरे के लिए। सो आज जो स्टेटमेंट ये धोनी ने दिया है BCCI को, उससे साफ पता लगता है कि MS धोनी अभी बिल्कुल भी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रॉलिंग टाइप का चल रहा था और इनको लेकर जो कयास लग रहे थे कि क्या धोनी को रिटायरमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसको लेकर जो धोनी ने है कुछ हद तक इस बयान से साफ कर दिया है कि अभी वो बिल्कुल भी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और आने वाले जो ये 2 महीने हैं उसके बाद में पता लगने वाला है कि क्या MS धोनी का आगे का करियर होने वाला है और क्या वो डिसीज़न लेने वाले हैं। सो काफ़ी बड़ा अपडेट है अभी आपको मैंने जो बताया है कि धोनी का जो है वो 2 महीने के लिए टीम के साथ अभी नहीं मिलेंगे। और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मालूम होती है यहाँ से MS धोनी और इंडियन कैप्टन और इंडियन कोच के बीच में। शायद उनको लगता है कि MS धोनी अभी किसी एक फॉर्मेट में टीम के लिए फिट बैठते हैं और उनकी जगह बनती है टीम इंडिया में। सो इसी को लेकर जो है वो धोनी ने अभी साफ कर दिया है कि वो 2 महीने अभी अवेलेबल नहीं है टीम के साथ, ब्रेक लेना चाहते हैं क्रिकेट से और 2 महीने के बाद में टीम के साथ दोबारा जुड़ जाएंगे। सो गाइस, इस पर आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्या कहना है आप लोगों का धोनी के बारे में। और गाइज, आगे अपडेट के लिए जुड़े रहिए क्रिक आकाश चैनल के साथ और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए। उससे होगा क्या कि आपको जो भी आगे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन अपनी डिवाइस पर मिल जाएगी और पता लग जाएगा कि कौन सा नया वीडियो आया। सो गाइज, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।